नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जी कमल नेगी और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, HSSC ने एक और एग्जाम का नोटिस निकाल दिया है, तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनेगा। आज के टॉपिक का नाम है जी HSSC एक्साइज इंस्पेक्टर एग्जाम इन दिसंबर 2017। तो SSC का एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम दिसंबर 2017 में होगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए एग्जाम है? एक्साइज इंस्पेक्टर। तो एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए HSSC ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। एक्साइज इंस्पेक्टर एग्जाम किस डिपार्टमेंट के अंडर होगा? एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, हरियाणा के अंडर। और जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 11/2015 और जिसका कैटेगरी नंबर है जी 1। नेक्स्ट बात करें सर डेट एंड टाइम ऑफ एग्जाम, कि मेरे एग्जाम का डेट एंड टाइम क्या होगा? तो मेरे एग्जाम की टेंटेटिव डेट है जी 3 दिसंबर 2017। 3 दिसंबर 2017 को दो शिफ्टों में एग्जाम होगा, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम का टाइम है जी सुबह 10:30 से लेकर के 12 बजे तक, और उसका रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे सुबह। तो 9 बजे मुझे रिपोर्टिंग करनी है और 10:30 से 12 बजे तक मेरा सुबह की शिफ्ट में एग्जाम होगा। नेक्स्ट इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो इवनिंग शिफ्ट के लिए एग्जाम का टाइम है 3 से लेकर के 4:30 बजे तक, और जिसके लिए मेरा रिपोर्टिंग है जी दिन में 1:30 बजे। तो 1:30 बजे मुझे रिपोर्टिंग करनी है और 3 से 4:30 बजे मेरा इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम होगा। देन नेक्स्ट बात करें सर एग्जाम का प्लेस क्या होगा, तो अभी उन्होंने एग्जाम का प्लेस डिफाइन नहीं किया है। प्लेस में उन्होंने बताया है एज पर एडमिट कार्ड, जब मेरा एडमिट कार्ड आएगा तो उस समय मुझे एग्जाम का प्लेस लिखा पता लगेगा। नेक्स्ट बात करें सर डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड, मैं अपना एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर सकता हूँ? तो 27 नवंबर 2017 या उसके बाद में अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता हूँ। देखिए सर नेक्स्ट, फिर अगर आप इस एग्जाम को देने जाते हैं तो इस एग्जाम में आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? तो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका टोटल 225 मार्क्स का है, जिसमें सबसे पहले फेज में रिटन एग्जाम होगा, और मेरा जो एग्जाम है ये OMR शीट बेस्ड एग्जाम है। मुझे ओवल फिल करने हैं पेपर पेन पर, पेन पेंसिल से मैंने अपने पेन से पेपर पर ओवल फिल करने हैं। फिर बात करें सर कि इस पेपर में क्या आएगा, तो पेपर में मेरे 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो ऐसे टोटल मेरा 200 नंबर के लिए पेपर होगा। फिर बात करें सर तो इस पेपर के लिए टोटल मेरे पास 90 मिनट का समय होगा, और इस पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे? तो सर मैथ से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, हिंदी से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे, जीके से क्वेश्चन आएंगे, और जीके में 3 टाइप की जीके, स्टैटिक जीके, हरियाणा जीके और करंट जीके। स्टैटिक जीके में हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा जीके में हरियाणा के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, और करंट जीके में नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। तो मैक्सिमम वेटेज मेरी जीके की होगी। और देन नेक्स्ट रेलेवेंट सब्जेक्ट, रेलेवेंट सब्जेक्ट मतलब हो सकता है कि वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 200 नंबर के लिए मेरा रिटन एग्जाम होगा। अगर मेरा रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट फेज होगा जी मेरा सेकंड टाइप viva-voce या इंटरव्यू। तो viva-voce या इंटरव्यू मेरा 25 मार्क्स का होगा। तो ऐसे मेरा 200 का रिटन टेस्ट और 25 का viva-voce या इंटरव्यू, तो टोटल 225 में से मेरा सिलेक्शन होगा। दोस्तों अगर आप इस एग्जाम नोटिस के बारे में पढ़ना चाहते हैं या पेपर के टाइम पर आप अपना एडमिट कार्ड रोल नंबर डाउनलोड करना चाहते हैं 27 नवंबर 2017 या उसके बाद, तो आप किस साइट पर जाकर के ऐसा कर सकते हैं? तो साइट है जी www.hssc.gov.in, www.hssc.gov.in पर जाकर के आप इस एग्जाम नोटिस को पढ़ सकते हैं और अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं 27 नवंबर 2017 या उसके बाद। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको लाल रंग में लिखा एक सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और एक नीली घंटी का निशान नजर आ रहा होगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल के साथ अप टू डेट रहेंगे। ऐसे ही जैसे ही HSSC किसी एग्जाम का नोटिस डालेगा तो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना करके दूंगा। देखिए HSSC ने एग्जाम का नोटिस आज ही डाला है और आज ही मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो बना करके दे दिया है। तो दोस्तों आपने मुझे बताना है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों 3 दिसंबर 2017 को आपका एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम है, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद।